पीएम मोदी के साथ गुजरात दौरे पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो। एयरपोर्ट से आश्रम तक के रास्ते पर 40 से ज्यादा मंच बनाकर नेतन्याहू का स्वागत, देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक नृत्यों का मंथन। पत्नी के साथ इसराइली पीएम ने साबरमती आश्रम का किया दौरा, गांधी जी पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि, चला या चरखा भी। आश्रम से पीएम मोदी और नेतन्याहू धोलेरा गांव के आई क्रिएट सेंटर पहुंचे, संयुक्त रूप से सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने खोला आई क्रिएट में छोटे आय का राज, कहा उद्यम से जुड़े देश। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री की नीतियों की तारीफ की, हिंदी में बोला जय हिंद जय भारत। गुजरात के रंग में रंगे इसराइली प्रधानमंत्री, गरबा का लिया मजा, पीएम मोदी के साथ उड़ाई पतंग। गुजरात के बनासकांठा में बीएसएफ को मिला इसराइली तोहफा, खारे पानी को शुद्ध करने वाली जीप का इस्तेमाल करेंगे जवान। पाकिस्तान सीमा के पास जोधपुर एयरबेस में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने फाइटर प्लेन सुखोई से भरी उड़ान। उड़ान के दौरान करीब 30 मिनट तक फाइटर प्लेन में रही रक्षा मंत्री, लड़ाकू विमान में उड़ान को बताया रोमांचकारी। सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भरी भारी गोलाबारी। प्रवीर थोगड़िया ने क्राइम ब्रांच के बहाने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, एडिशनल कमिश्नर की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की उठाई मांग। रांची के सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान लालू ने मीडिया से की बात, हज सब्सिडी को लेकर केंद्र के फैसले पर उठाए सवाल, बोले खामियाजा भुगतेगी बीजेपी। रैम केस में नाबालिग आरोपी के जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाने का आदेश, 30 जनवरी तक बड़ी कस्टडी। यूपी के मथुरा में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक बच्चे को गोली लग गई। लखनऊ में खौफनाक वारदात, ब्राइट लैंड स्कूल के अंदर बच्चे को चाकू से गोदा, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। स्कूल की ही एक छात्रा पर बच्चे को चाकू से वार करने का आरोप, पीड़ित बच्चे का पुलिस ने दर्ज किया बयान, अभिभावकों का प्रदर्शन। कानपुर में साड़ी व्यापारी के घर से नोट के काले खेल का भंडाफोड़, 96 करोड़ रुपए के पुराने नोट का खजाना बरामद। 100 से ज्यादा कार्टून और 30 प्लास्टिक के बैग में भरकर नोट ले गए एनआईए और पुलिस के अफसर, 16 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने में पुलिस ने अपनी तैयारी पर की। उत्तर प्रदेश के शामली में छेड़खानी करने के आरोप में मनचले की पिटाई, बाइक छोड़कर भागा, सड़क छाप मच गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश का किया एनकाउंटर, लंबे वक्त से थी तलाश। यूपी के हरदोई में 3 साल तक लड़की को बंधक बनाकर बलात्कार, आरोपी पर जबरन जिस्मफरोशी कराने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगर पालिका की अवैध दुकानों पर कार्रवाई। यूपी के हरदोई में दूध से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में मची दूध की लूट, बाल्टी और डब्बों में भरकर दूध ले गए ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के बस्ती के टोल प्लाजा में मारपीट, टोल मांगने पर दबंगों ने की जमकर धुनाई। यूपी के अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय में मोबाइल फोन पर लगा बैन, छात्रों ने तुगलकी फरमान का किया विरोध। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चोरी की 24 बाइक के साथ धरे गए 3 छात्र चोर, हथियार भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में नर्सों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, 6 महीने से वेतन भुगतान न होने पर जबरदस्त नाराजगी। कानपुर में मां के डांटने पर 8वीं के छात्र ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली, मौके पर मौत। भोजपुर में अपराधियों का तांडव, अखबार विक्रेता को मारी गोली, गुस्साए लोगों ने थाने की जीप फूंकी। मोतिहारी में छात्र की चाकू से गोद कर हत्या, पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया। सुपौल में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार दो छात्रों को कुचला, मौके पर हुई मौत। बिहार के सासाराम में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आई स्कॉर्पियो, 1 महिला समेत 3 लोग जख्मी। रक्सौल में घने कोहरे की वजह से पेट्रोल टैंकर हादसे का शिकार, रिश्ते तेल को लूटने की होड़। हरियाणा के फरीदाबाद में सनसनीखेज वारदात, लूट के बाद घर की महिला के साथ गैंग रेप, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के जिंद में रेप कांड का बड़ा ट्विस्ट, रेप के आरोपी की हत्या, कत्ल से पहले बुरी तरह टॉर्चर। हरियाणा के हिसार में 3.5 साल की बच्ची से बलात्कार, पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के पर आरोप। हरियाणा के गुड़गांव में कांग्रेस का साइकिल मार्च, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की हालत पर हल्ला बोल।
हरियाणा में चार दिनों में रेप की छह वारदात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अफसरों के साथ बैठक की। हरियाणा के फरीदाबाद में घर को जैक से उठाते वक्त हादसा, भरभरा कर गिरी इमारत, एक गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के रोहतक में हत्या के मामले में अदालत में पेश नहीं हुए रामपाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई। हरियाणा के सोनीपत में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने पति की हत्या, पुलिस ने 5 महीने के बाद दोनों को किया गिरफ्तार। फतेहाबाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 63 किसानों पर दर्ज किया केस, फसल के अवशेष जलाने पर कार्रवाई। चोरों के आतंक के आगे पुलिस लाचार, दिल्ली में ऑटो चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश में नई आरटीओ नीति के विरोध में स्कूल बस ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल, बच्चों और अभिभावकों को परेशानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पता न बताने पर युवक की हत्या, पुलिस को 4 आरोपियों की तलाश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बैंक के अंदर खुदकुशी की कोशिश, प्रबंधन पर लोन के बदले घूस मांगने का आरोप। मध्य प्रदेश के झाबुआ में डीएम दफ्तर में जन सुनवाई के दौरान दो गुटों में झड़प, जमकर चले लात घूसे। मध्य प्रदेश के रायसेन में 15 साल की बच्ची को जिंदा जलाने वालों को उम्र कैद की सजा, 2013 की वारदात। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्ची को गोद लेने वाली मां पर बर्बरता का आरोप, गंभीर हालत में बच्ची आईसीयू में भर्ती। मध्य प्रदेश के आगर में बीजेपी विधायक और सांसद के समर्थकों के बीच भिड़ंत यात्रा, ध्वज पकड़ने को लेकर भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।